मैं सीधे चलूंगा इस वक्त, मेरे पास एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीधे जल प्रसाद सर, योर टेक। पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान आज ही नहीं बल्कि दिन पे दिन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। देखिए पीओके में जो हालात हैं वो आप जरा एक मिनट के लिए वैली से कंपेयर करें, यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस है और वहाँ पर कितना रिटार्डेशन है। वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वहाँ के लोग दुखी हैं। आपने अभी अतुल साहब से सुना कि वहाँ बगावत की कितनी हालात बदल रहे हैं, वहाँ पर उस तरीके के हालात बन रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में बन रहे थे। वहीं नहीं केवल बलूचिस्तान की आपने बात कर दी, तो आप उस इलाके को पूरे को अगर एक साथ नक्शे पर जोड़ के देखें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के वेस्ट में, नॉर्थ में पूरा इलाका एंटी इमरान खान, एंटी पाकिस्तान है। वो सिर्फ वहाँ जेनोसाइड कर रहे हैं, वहाँ बलूचिस्तान में किस तरह से बलात्कार कर रहे हैं, किस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ बगावत दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। आपने मिर्ज़ा साहब से भी सुना। तो देखिए अतुल जी, इस समय मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहे कि पाकिस्तान एक किस तरह से राक्षस की तरह बिहेव कर रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और बलूचिस्तान के साथ। अपना घर तो उसे संभल नहीं रहा, वहाँ पे जाके और परेशानी पैदा कर रहा है। इसी तरह से अगर वो करता रहा तो LAC पर तो हम निबट लेंगे, लेकिन इसका इलाज अलग से कहीं ना हो जाए। आपने जब कोरोना का हरकत शुरू हुई थी उससे पहले शायद हमारे होम मिनिस्टर को सुना होगा, एक दिन किसी दिन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि POK को हम लेंगे, POK इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और उस पर हम किस तरीके से लेंगे उस पर एक बयान फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया था, और उन्होंने उस समय कहा था कि वी विल कंट्रोल POK। इसके ज़रा लफ्ज़ ध्यान से सुनिएगा आप। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि बड़े शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करते हैं, उन्होंने ये कहा, हमारे होम मिनिस्टर ने ये कहा, हमारा पूरा देश ये मानता है कि POK इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट वेरी मच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर एंड देयर फॉर इट मस्ट रिवर्ट बैक। अब वो किस तरह से रिवर्ट होगा, हमें फोर्स से लेना पड़ेगा कि वह अंदर की बगावत इतनी ज़्यादा हो जाएगी बांग्लादेश की तरह कि वो हमारे संग वैसे ही मिल जाएगा। सर, आपने जो बात तो बताई है, इसको अगर आप देखें, आपने जो बात बताई है, आई थिंक दिस इज द टॉप स्टोरी ऑफ दिस आवर, और मैं चाहूंगा अपनी टीम को वो चंक तैयार करे जो ब्रेकिंग न्यूज है POK को लेकर, जो मिर्ज़ा साहब से मेरी बात हुई है, हम वो उसको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी